भराड़ी सैंड में कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। विधानसभा सत्र को लेकर अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा भी लिया। इसके साथ ही सत्र से पहले हवन यज्ञ भी करवाया गया ताकि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। भराड़ी सैंड विधानसभा में बजट सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी तो एक दिन पहले ही भराड़ी सैंड पहुंच गई थी। ऋतु खंडूरी ने विधानसभा भवन के अंदर हवन यज्ञ किया। बतौर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का गैरसैंण में ये पहला सत्र है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि मैं हम लोग भराड़ी सैंड पहुंचे हैं। इम्पोर्टेंट सत्र है, गवर्नर साहब का अभिभाषण है, बजट है, तो मुझे खुशी है कि हम लोग बजट सत्र इस बार हम गैरसैंण में कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के विधायकों से अपील की है कि सत्र में जनहित के मुद्दे शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं। इस बार करीबन 599 सवाल आए हैं और सभी विधायकों ने अपनी बातों को क्वेश्चंस के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से सदन में लाए हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगी सभी विधायकों को कि गरिमापूर्ण तरीके से सौहार्द के माहौल में अपने प्रश्नों को रखें, अपने बातों को रखें, ताकि जो अपेक्षा उनके क्षेत्रवासी करते हैं कि उन सवालों का जवाब मिले, अच्छी डिबेट वो लोग देखें, वो सदन में हो। उधर राज्यपाल गुरमीत सिंह भी भराड़ी सैंड पहुँच चुके हैं। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से ही होगी। अत्यंत प्रसन्नता है और बहुत खुशी है इस बात की कि पांचवें विधानसभा के 2023 के प्रथम सत्र के लिए आए हैं और जिस प्रकार तैयारियां की गई हैं बहुत खुशी है और पूर्ण विश्वास है कि ये सत्र बहुत ही सुंदर है। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है, मगर फिर भी सरकारें यहां सत्र कराने से बचती रही हैं। धामी सरकार ने इस बार गैरसैंण में सत्र कराने का फैसला लिया है। देखना होगा कि ये सत्र क्या शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। एबीपी गंगा के लिए गैरसैंण से पंकज राणा के साथ जितेंद्र पंवार की रिपोर्ट। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें तो गैरसैंण में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। बजट सत्र से पहले ही गैरसैंण में मौसम खराब हो गया है और खराब मौसम की वजह से परेशानी हो सकती है। बजट सत्र के दौरान परेशानी हो सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कल से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही गैरसैंण में मौसम खराब हो गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। खासकर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। इस वक्त मैं गैरसैंण के भराड़ी सैंड में मौजूद हूं, जहां विधानसभा सत्र आयोजित किया जाना है। आप देखेंगे तो यहां भी मौसम का मिजाज बदल गया है। लगातार जो बारिश है वो शुरू हो गई है, इससे तेज हवाओं के साथ ठंड भी बढ़ गई है। हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने यह कहा था कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ साथ हल्की बारिश होगी और बूंदाबांदी होगी और ओलावृष्टि भी होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बादल छाए हुए हैं और भराड़ी सैंड में, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था। मौसम का मिजाज यदि बदल जाता है तो ठंड बढ़ेगी और फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भारी संख्या में कर्मचारी हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। भराड़ी सैंड से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।